नमस्कार दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर अभी जेनेवा में हैं। वहां एक कार्यक्रम में वो भारतीय कम्युनिटी के लोगों से बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान किसी ने उनसे नेटफ्लिक्स की सीरीज IC 814 के बारे में एक सवाल पूछ लिया। ये सीरीज कांधार हाईजैकिंग के ऊपर बेस्ड है और काफी विवादों में चल रही है। इस सीरीज को लेकर क्या विवाद चल रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आई आइकन पे क्लिक करके आप इसके ऊपर हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो एस जयशंकर जी से जब इस सीरीज के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सीरीज देखी नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने हाईजैकिंग को लेकर एक दूसरी दिलचस्प कहानी बताई। 1984 में इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन हाईजैक हुआ था और इस हाईजैक्ड प्लेन में एस जयशंकर के पिताजी भी यात्रा कर रहे थे और एस जयशंकर ऑफिसर्स की उस टीम में शामिल थे जो कि इस हाईजैकिंग से डील कर रहे थे। 1984 की जिस प्लेन हाईजैकिंग की बात यहां एस जयशंकर कर रहे थे, भारतीय एविएशन के इतिहास में वो सबसे खतरनाक हाईजैकिंग माना जाता है। 1984 की वो हाईजैकिंग कैसे हुई थी, किसने की थी और भारतीय सरकार ने हाईजैक्ड प्लेन को कैसे छुड़ाया था, वो कहानी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी आप ये सुनिए कि एस जयशंकर ने क्या कहा था। You know, I haven't seen the film, so I don't want to comment. But I'll tell you something interesting, which you may remember. In 1984, there was a hijacking. I was a very young officer. I was part of the team which was dealing with it. And midway through the hijacking, I realized, not midway, about 3-4 hours, I actually, those were the days you didn't have cell phones and all that, so, and I had a small, my son was a few months old. My wife used to work, so it was my day to go back home and feed my son at lunch, okay. So I rang up my mother actually to tell her, look, I can't come, there's a hijacking. And then I discovered my father was on the flight, okay. And the flight ended up in Dubai. It's a long story. But fortunately nobody got killed, but it could have ended up wrongly. So I know what, you know, and it was interesting because on the one hand I was part of the team which was working on the hijacking. On the other hand, I was part of the family members who were pressing the government on the hijacking. So actually I had that very unique window into the, on both sides in that sense of the problem. So I do understand, you know, often these are situations. And look in movies, you know, movie guys don't make the government look good. You know, then nobody look at the movie. The hero is supposed to look good, you know, not you. So I think you've got to accept that as par for the course. एस जयशंकर जिस हाईजैकिंग की बात कर रहे हैं वो हाईजैकिंग हुई थी अगस्त 1984 में। इंडियन एयरलाइंस के विमान संख्या IC 421 को कुछ खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया था। वो भारत सरकार से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। 24 अगस्त 1984 को IC 421 ने दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए उड़ान भरी। जैसे ही ये विमान चंडीगढ़ के ऊपर पहुंचा, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के 7 मेंबर्स ने इस विमान को हाईजैक कर लिया और हाईजैक करते ही वो जिद करने लग गए कि विमान को लेकर अमेरिका चलो। लेकिन जब उन्हें पता चला कि विमान ऐसे अमेरिका नहीं जा सकता है तो वो विमान को लेकर लाहौर चले गए। लेकिन लाहौर जाने से पहले उन्होंने विमान से अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के 2 चक्कर लगवाए, जबकि विमान में फ्यूल बहुत कम था। उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक की सरकार थी। श्रीमती गांधी ने जियाउल हक से ये रिक्वेस्ट करी कि इस प्लेन को लाहौर से उड़ने ना दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया और ये प्लेन लाहौर से कराची होते हुए दुबई पहुंचा। हालांकि ये हाईजैकर्स यही जिद कर रहे थे कि प्लेन को लेकर अमेरिका चलो। भारतीय अथॉरिटीज ने किसी तरीके से इनको समझाया कि प्लेन को ऐसे हालात में अमेरिका नहीं ले जाया जा सकता। फिर दुबई में भारतीय अथॉरिटीज ने UAE अथॉरिटीज के साथ मिलकर इन हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएशन करी। इस प्लेन में टोटल 100 पैसेंजर्स थे और उन्हीं 100 पैसेंजर्स में से एक थे एस जयशंकर के पिताजी K. सुब्रमण्यम। K. सुब्रमण्यम डायबिटिक थे। दुबई की भीषण गर्मी में उनकी तबीयत खराब हो गई। उनके लिए इंसुलिन और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई,
दूसरे यात्रियों को भी दवाइयां और खाने के कुछ सामान दिए गए। 36 घंटे तक चले लगातार ऑपरेशंस और नेगोशिएशंस के बाद सभी यात्रियों को सही सलामत छुड़ा लिया गया और सभी हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लिया गया। बाद में सभी हाईजैकर्स को यूएई से भारत लाया गया। इस हाईजैकिंग को भारत की सबसे खतरनाक हाईजैकिंग कहा जाता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।